खलव यंत्र में अभी रिसेंटली पूछा गया था दो क्वेश्चन, है ना। एक तो था कि जो तप्त खलव है वो कौन सी धातु से बनी होती है, तो आंसर क्या था बच्चों, कांत लौह। ये जो नेक्स्ट है बच्चों बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इस पे भी ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, रीड सारे करने हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं फॉर कंक्लूजन। हर एक से 2 दिन छोड़ के रसशास्त्र को टाइम दीजिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ से अच्छे खासे वेटेज रख के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर एस्पायरेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो हमने रसशास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, है ना। जैसे कि आपने मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हमने रसशास्त्र के एक तो बेसिक बेसिक देखा था हमने कि रसशास्त्र क्यों जो है हिस्ट्री में आया उसका वर्णन, है ना। फिर हमने उसके काल पढ़े थे, 4 काल पढ़े थे। नेक्स्ट उसमें हमने जो है ऑथर्स देखे थे, जो हमारी बुक्स थी, स्पेशली जो गोविंद पारिक में जो बुक्स दी हुई हैं वो सब हमने डिस्कस की थी अलॉन्ग विद ऑथर्स, राइट। और उसके बाद हमने देखा था रसशाला निर्माण, है ना। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वो लेक्चर नहीं देखा है, आई प्रोवाइड द लिंक इन आई बटन, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आज हम बात करेंगे फर्दर, जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे मैंने जितने भी हमारे ऑथर्स हैं जो रसशास्त्र से रिलेटेड जितने बुक्स हैं उनके बारे में कलेक्शन किया हुआ है, सो हम थोड़ा थोड़ा करके इन ऑथर्स और बुक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रस राज लक्ष्मी, तो इनके ऑथर हैं विष्णुदेव। तो ये तो इजी है याद करने के लिए, जैसे है आया है रस राज लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी के राज राज में कौन है, विष्णुदेव है। इस तरीके से याद कर लो कि लक्ष्मी का जो रिलेशन है वो किससे है, विष्णु जी से है। तो रस राज लक्ष्मी के हो गए विष्णुदेव, दैट टू इन 14th सेंचुरी। नेक्स्ट कमिंग टू 15th सेंचुरी, तो इसमें हमें 3 ऑथर्स मिले हैं। कौन कौन से, कौन कौन सी बुक्स मिली हैं? तो पहला आता है हमारा रस पद्धति, तो ये किसने लिखी है, बिंदु। नेक्स्ट लौह सर्वस्व, ठीक है। तो पूरा की पूरा जो है लौह के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, ये दिया है आचार्य सुरेश्वर देव ने, आचार्य सुरेश्वर देव ने 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट रस नक्षत्र मलिका, ठीक है। तो नक्षत्र क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है ना। तो इस पे चाहे कितना भी आप मंथन करो लेकिन फिर भी नक्षत्र किसी को इजीली समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, नक्षत्र डिफिकल्ट है इसलिए मंथन करने की उस पर नीड है। ओके, आगे चलते हैं। वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण रत्नाकर जो है शंकर आचार्य ने लिखा है, वर्ण रत्नाकर, ठीक है। सभी जितने भी हमारे भगवान है उनमें आप देखेंगे शंकर जी का जो वर्ण है सबसे अलग है ना, ब्लूइश मिलेगा आपको क्योंकि उन्होंने विषपान किया हुआ है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे चलते हैं नंदी तंत्र, तो नंदी से तो आपको याद ही रहेगा, नंदी आचार्य ने लिखा है, 8th सेंचुरी में लिखा है। ओके, आगे चलते हैं रसेंद्र कल्पद्रुम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूरी है। रसेंद्र कल्पद्रुम जो है रामकृष्ण, इन्होंने लिखा है 16th सेंचुरी में, कल्पद्रुम। नेक्स्ट देखिए वैद्य चिंतामणि, तो चिंता कौन करते हैं, वल्लभ आचार्य, जो वल्लभ है वो बहुत टेंशन लेते हैं, वैद्य चिंतामणि वल्लभ आचार्य। आगे देखिए रस रत्न प्रदीप, ये लिखी है रत्नपाल सुत रामराज, ठीक है, रत्नपाल ने लिखी है। आगे चलिए धातु रत्नमाला, तो धातुओं की जो है रत्न आई मीन रत्नों की जो है माला बना रहे हैं, है ना, धातुओं और रत्न की माला बना रहे हैं, कौन, गुर्जरिय देव, गुर्जरिय देव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रस कौमुदी, ये भी इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, रस कौमुदी, ये लिखी है ज्ञान चंद्र, है ना, पूरी पूरी कौमुदी लिख डाली किसने, ज्ञान चंद्र, जिनके पास ज्ञान होगा वही लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भस्म विज्ञान, भस्म विज्ञान, तो ये है हरि शरण आनंद, हरि शरण आनंद, भस्म विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रस सिद्धि शास्त्र व्याडी, इन्होंने लिखी है रस सिद्धि शास्त्र व्याडी। लास्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट योग रत्नाकर, ये लिखी है मयूरपाद भिक्षु ने, किसने बच्चों, मयूरपाद भिक्षु ने, ठीक है। योग रत्नाकर से रिलेटेड 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, इनका जो काल है वो क्या है, 17th सेंचुरी, ऑथर तो पता होना ही चाहिए लेकिन टाइम पीरियड भी याद रखना है, 17th सेंचुरी है। दूसरा, योग रत्नाकर जो है चिकित्सा ग्रंथ है, है ना। अगर हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट पर लिखा गया, तो बेसिकली जो है मेडिसिन केसी ओरिएंटेड है, काय चिकित्सा ओरिएंटेड है ना। दूसरा, इसमें बहुत ही ज्यादा एक फेमस योग आता है योग रत्नाकर में, कौन सा है वो, भीमसेनी कर्पूर, ठीक है। भीमसेनी कर्पूर का उल्लेख मिलता है कहाँ पर बच्चों, नेत्र रोग में मिलता है, नेत्र रोग में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है योग रत्नाकर में इसका वर्णन आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो टबैको है, तंबाकू है, उसका प्रथम वर्णन भी जो है योग रत्नाकर में ही आया है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और चीज मिलती है ज्वर से रिलेटेड, यानी कि उसमें आता है कि योग रत्नाकर में
मंथन ज्वर का वर्णन है, ठीक है, वो भी योग रत्नाकर में मिलता है आपको। सो ये दो से तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी योग रत्नाकर से रिलेटेड, आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी इस वाले लेक्चर को बोरिंग ना बनाते हुए, अभी आप सिर्फ ये 14 जो है बुक्स को याद कर लीजिए अलॉन्ग विद ऑथर्स, एंड जो मैंने टिक किए हैं उनका टाइम पीरियड भी आपको याद करना है, रसेंद्र कल्पद्रुम, रसकौमुदी, योग रत्नाकर, इनके सबसे पहले याद करने हैं, फाइन। सो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज काफी सारे बुक्स हैं, अदरवाइज आप याद करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। सो जस्ट फॉर चेंज 14 बुक्स के साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों यंत्र प्रकरण, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कशन किया था अर्थशास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें दो या तीन, है ना, दो या तीन बार तो यंत्र से क्वेश्चन आ ही चुका है, यंत्र और मूर्छा से स्पेशली, इसीलिए हम यंत्र प्रकरण आज स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यंत्र, ठीक है। तो आयुर्वेद प्रकाश में यंत्र की जो डेफिनेशन दे रखी है वो क्या है, रसो नियंत्रते ये नियंत्रम, यानी कि जिस मेथड से आप रस को नियंत्रित कर ले, है ना, स्टेबल कर दे जिस साधन से, उसको हम बोलेंगे यंत्र, ठीक है। ये डेफिनेशन देते हैं आयुर्वेद प्रकाश में। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन है, हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था, है ना। अब बात कर लेते हैं यंत्र की संख्या। तो यंत्र की संख्या बच्चों सबसे ज्यादा जो बताई हुई है वो रस प्रकाश सुधाकर, इन्होंने जो है 42 बताई है, कितना 42, ओके। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स आनंद कंद, तो इन्होंने जो है 41 बताई है, ओके। रस रत्न समुच्चय में आपको जो है 32 संख्या मिलेगी, रसेंद्र चूड़ामणि वहां पर जो है 30 संख्या टोटल यंत्र की बताई हुई है, तरंगणी में जो है 20 बताई है और रसायना में तो 15 है केवल, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करके छोड़ दीजिएगा, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं अलग अलग कौन कौन से यंत्र का डिस्क्रिप्शन आया है। तो आई हैव ट्राइड की विजुअल मेमोरी को भी यहाँ पर हम इनकलकेट करें सो डेट आपको इजी रहे याद करने में, है ना, और स्ट्रांगली याद होगा। एनीवेज, सो फर्स्ट वन इज दोला यंत्र, ठीक है। तो दोला यंत्र का काम क्या होता है बच्चों, स्वेदन, ठीक है। आप कई सारे रेफरेंसेस में पढ़ेंगे कि यहाँ पर दोला यंत्र विधि से स्वेदन किया गया है ना। तो दोला यंत्र जो है स्वेदन की हेल्प से, आई मीन स्वेदन क्रिया में यूज होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ये इन्होंने एक जो है मटका लिया है, उसमें एक स्टिक की हेल्प से पोटली बनाकर जो भी आपको द्रव्य का स्वेदन करना है उसको टाई कर दिया है, ठीक है। और नीचे जो है द्रव लिया है, ठीक है, द्रव और द्रव्य, और जो बेस है वहां पर जो है अग्नि स्टार्ट कर दी तभी स्वेदन हो सकता है ना। तो दिस पिक्चर डिनोट्स दोला यंत्र। नेक्स्ट देखिए बच्चों डमरू यंत्र। तो डमरू यंत्र का हेल्प से हम क्या करते हैं, रस भस्म निर्माण, क्या करते हैं, रस भस्म निर्माण, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो मटका जो है हमने यूजुअल जैसे हम रखते हैं वैसे ही रखा है बेस पर, एक हमने जो है इन्वर्टेड करके रख दिया और दोनों कर दिया पुट बंद, ठीक है ना, आपस में जो है कपड़छन कर दिया, सॉरी। तो डमरू यंत्र में क्या है बच्चों, एक जो हमने अर्थन पॉट लिया है उसको नॉर्मल जैसे हम रखते हैं वैसे हमने बेस में रख दिया, ठीक है, नीचे अग्नि है। दूसरा हमने जो अर्थन पॉट लिया है उसको इन्वर्टेड करके और दोनों का बंधन कर दिया है, ठीक है। जैसे आप मुल्तानी मिट्टी और जो अपना माध्यम क्लॉथ होता है उसकी हेल्प से जो आप टाई करते हैं ना, वैसे ही सेम यहाँ पर भी किया गया है। नेक्स्ट नीचे यहाँ पर द्रव्य लिया है, अब क्या होगा, स्वेदन होने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर जाके भस्म जो है यहाँ पर स्टिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डमरू यंत्र, और इसमें क्या करते हैं, रस भस्म निर्माण के लिए यूज होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए स्थाली यंत्र। तो स्थाली यंत्र क्या करता है, धातुओं को मृदु करने के लिए यूज होता है, स्थाली, ठीक है, देखो बिल्कुल थाली की तरह ही है ना, ऐसे याद कर लो। तो इससे धातु कैसी हो जाती है, मृदु हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं पालिका यंत्र। तो पालिका यंत्र क्या है, गंधक जारण के लिए यूज होता है, पालिका यंत्र गंधक जारण, ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। अभी कुछ टाइम पहले 2 साल पहले एक फैशन बना था, है ना, कि पिक्चर बेस्ड जो है क्वेश्चन आया था, आई थिंक अश्वगंधा भी पूछा गया था। उस टाइम पे ये था कि शायद से अर्थशास्त्र के कुछ इंस्ट्रूमेंट या धातु रख के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पिक्चर बेस्ड, है ना। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, यू नेवर नो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स स्वेदनी यंत्र, इसके तो नाम में ही स्वेदनी है तो पता लग रहा है कि स्वेदन के लिए यूज होगा, है ना, ये तो बहुत ईजी है। ऊपर जो है शराब रखा हुआ है ना, ये द्रव्य है। नेक्स्ट वस्त्र से इसको जो है बंधन किया हुआ है, ये है आपका लिक्विड, ठीक है, और नीचे जो है अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, द्रव्य का स्वेदन हो रहा है, बस उतना ही, ओके। नेक्स्ट देखिए वालुका यंत्र। तो वालुका यंत्र जो है गंधक जारण में भी यूज हो रहा है और कूपीपक्व रसायन में भी यूज हो रहा है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वालुका यंत्र का प्रयोग दो चीजों में है, कूपीपक्व में और गंधक जारण। मूविंग टुवर्ड्स पुट यंत्र। सो वी ऑल नो कि पुट यंत्र जो है भस्म के निर्माण के लिए यूज होता है ना।
इट डिपेंड अपॉन कि कौन सी धातु का आप भस्मीकरण कर रहे हो, उसके हिसाब से हम जो है अलग अलग पुट लगाते हैं, है ना। तो ये तो आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है दे वेरी वेल नो कि किस तरीके से हम जो है पुट का यूज करते हैं, है ना। मूविंग टुवर्ड्स विद्याधर यंत्र, तो विद्याधर यंत्र में क्या है बच्चों, जैसे डमरू यंत्र में हमने जो है दो मटके लिए थे, है ना, एक इन्वर्टेड था और एक जो है नॉर्मल रखा हुआ था, लेकिन विद्याधर में क्या है, दोनों ही मटकों को सेंड डायरेक्शन में रख रहे हैं। ओके, जो नीचे वाला जो मटका है उसमें हमने द्रव्य रखा है और जो ऊपर वाला है उसमें हमने लिक्विड रखा है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज कोष्ठी और पातना यंत्र, तो इसको जो है कोष्ठी भी कहेंगे और पातना भी कहेंगे। ये भी जो है गंधक जारण के लिए यूज होता है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है ना स्टूडेंट्स, वो अभी तक जो है हिंगुलत्त पारद निष्कासन से पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है कि हिंगुल से अगर आपको पारद का निष्कासन करना है तो कौन सा यंत्र यूज करेंगे, विद्याधर यंत्र यूज करेंगे। ओके, आगे चलते हैं, ऊर्ध्व पातन यंत्र। तो पातन जो है वो तीन प्रकार का होता है, ऊर्ध्व पातन, अधः पातन और तिर्यक पातन, राइट। ऊर्ध्व पातन में क्या होगा, जब आप जो आपकी मेडिसिन है वो अगर ऊर्ध्व से आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्व पातन। तो ये जो है हिंगुल उत्त पारद निष्कासन के लिए यूज होता है, तो ये विद्याधर यंत्र और ऊर्ध्व पातन यंत्र दोनों ही जो है हिंगुल उत्त पारद निष्कासन के लिए यूज होते हैं। इसको नाद यंत्र भी कहते हैं, नाद, ठीक है। आगे देखिए अधः पातन यंत्र, तो अधः पातन में क्या है, पारद के अधः पातन हेतु, यानी कि जो आपको मेडिसिन कलेक्शन करना है वो कहाँ होगी बच्चों, अधः, नीचे से होगी। ओके, और दूसरा ये यौगिक दोष नाशन के लिए होता है, किसके लिए, यौगिक दोष नाशनार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत भूलेगा कि अधः पातन यंत्र को ही दीपिका यंत्र भी कहते हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, सो बी रेडी, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो अधः पातन बोले, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा यंत्र जो है यौगिक दोष के नाशन के लिए होता है, और ऑप्शन में अधःपातन हो ही ना तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए दीपिका यंत्र दिया है, अगर आपको सिनोनिम ही नहीं पता है तो आंसर आते हुए भी आप वो छोड़ देंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और मेरे सेंस में जो रसशास्त्र है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको डेली एम्फोसाइज करना जरूरी है, डेली रिविजन करना है। जैसे हम मैथ्स की तरह होता था ना कि अगर हम डेली उसको सॉल्व नहीं करते थे तो हम भूल जाते थे, सेम गोज विद रसशास्त्र ऑल्सो, कि इसमें जो है आपको डेली बेसिस पे रिविजन चाहिए होती है, ठीक है ना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तिर्यक पातन यंत्र जिसको हम डेकी यंत्र भी कहते हैं, तो ये भी जो है यौगिक दोष नाशन के लिए यूज होता है। ओके, आगे चलते हैं, भूधर यंत्र। भूधर यंत्र गंधक के अंतर्ध्वन जारण के लिए यूज होता है बच्चों। पाताल यंत्र, तो क्वेश्चन आता है कि गंधक तेल की प्राप्ति के लिए कौन सा यंत्र यूज करोगे, पाताल यंत्र यूज करोगे, ठीक है। तो चाहे से वो गंधक तेल पूछे चाहे से वो भल्लातक तेल पूछे, दोनों में ही आप जो है पाताल यंत्र आंसर लगाओगे। इसके अलावा तेल निष्कासन अर्थ के रिलेटेड एक कंदुक यंत्र का भी उल्लेख आया है, कंदुक यंत्र, उसको भी थोड़ा सा माइंड में रख लेना, ऑल्दो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो पाताल यंत्र से ही आएगा डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट देखिए खल्व यंत्र। खल्व यंत्र में अभी रिसेंटली पूछा गया था दो क्वेश्चन, है ना, एक तो था कि जो तप्त खल्व है वो कौन सी धातु से बनी होती है, तो आंसर क्या था बच्चों, कांत लौह, है ना, जो तप्त खल्व है वो कांत लौह की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन था जो वर्तुल खल्व यंत्र है उसका मेजरमेंट पूछा गया था 12x4, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट आता है हमारा अर्धचंद्राकार, तो आपको शेप से समझ में आ रहा होगा अर्धचंद्राकार, है ना, ठीक है। तो सबसे श्रेष्ठ जो बताई गई है वो अर्धचंद्राकार ही बताई गई है। दूसरा, इसमें अर्धचंद्राकार क्यों बोला गया है, एक तो शेप से भी ले सकते हो, इसमें दूसरा मत ये आता है कि जब आप इसमें जब मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं ना तो पूरा का पूरा जो है मोशन नहीं हो पाता, तो जो मोशन है वो इस तरीके से रहता है, इसीलिए बोला गया अर्धचंद्राकार। ओके, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है, 16x10x7, ठीक है, LBH, और जो इसका जो मुशल है उसकी जो लेंथ दी हुई है वो है 12 अंगुल, कितनी है, 12 अंगुल। ओके, कमिंग बैक टू वर्तुल, तो जो वर्तुल खल्व यंत्र है वो पाषाण या फिर सिरेमिक से बनी होती है, चीनी मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, और इसका मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट्स, 12x4 है, फाइन। तप्त खल्व मैंने आपको बताई दी कि क्वेश्चन आ चुका है कांत लौह पर कि कौन सी धातु से निर्मित है, तो ये कांत लौह से निर्मित है और नाम से पता लग रहा है तप्त, तो जब आप इसको यूज करते हैं तो नीचे जो है अग्नि के संपर्क में होता है ये। दूसरा, आजकल इसको मॉडिफाइड भी यूज कर रहे हैं, जैसे आप बस्ती प्रिपरेशन करेंगे, जो पंचकर्म वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, या फिर इंटर्नशिप में अगर आपकी पंचकर्म में जब पोस्टिंग लगती है, सो यू माइट नो कि जब हम जैसे कि पंच प्रासूति की बस्ती बनाते हैं ना, तो उसमें जब हम लास्ट स्टेप पे मिल्क ऐड कर रहे होते हैं तो हमें टेम्परेचर को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो जो है सेपरेट हो जाती है ना, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में तप्त खल्व का बहुत अच्छा रोल है, तो हम क्या करते हैं कि नीचे जो है जो हमारा यंत्र है उससे बड़ी एक थाली या फिर परात लेते हैं, है ना,
और उसको जो है गर्म पानी से फिल कर देते हैं। वो थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए पानी, तभी वो तप में जो है बस्ती बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस्ती मटेरियल ऐड करते रहेंगे सो दैट जो अंदर का जो मेडिसिन है हमारा उसका टेम्परेचर रेगुलेट रहे। ठीक है, इसका जो रेशियो है बच्चों, आई मीन जो इसका मेजरमेंट है वो कितना है, 9:6 है। कांद लौह निर्मित खल्व जो है वो अधिक गुणवान बताई है। आगे देखते हैं कच्छप यंत्र। तो कच्छप यंत्र जो है विड सहित पारद का जारण के ये यूज होता है। जलपूर्ण पात्र मध्य दत्वा, तो इसमें क्या करेंगे, एक पानी से भरा हुआ पात्र लेंगे और उसको मध्य में स्थित करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि विड सहित अगर पारद है तो उसके जारण के लिए कौन सा यंत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो आंसर इज कच्छप यंत्र। और इसमें एक और चीज है, जो हम इसमें कोयले यूज करते हैं वो खदिर और बदर के यूज करते हैं, है ना, खदिर और बदर इसका यूज होता है कच्छप यंत्र में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं बच्चों सुमनल यंत्र। तो जिन स्टूडेंट्स ने गोविंद पारिक के अगर प्रीवियस ईयर्स लगाए हैं उनको आइडिया होगा कि जब आप स्पेशली जो आपकी यूपीएससी वाले जो एमओ के ये हैं एग्जाम्स हैं प्रीवियस ईयर्स हैं, उनमें आपने देखा होगा कि काफी बार जो है सोमनल यंत्र पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। डेट टू ये जो श्लोक है एज इट इज रख के पूछा गया है कि ये किसके संदर्भ में आया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सोमनल यंत्र, अच्छे से याद करना है। इसके लिए क्या बोला गया है, ऊर्ध्व अनल, यानी कि ऊपर तो क्या है बच्चों, अग्नि। ठीक है, ऊपर है अग्नि, अधश्च आपौ, और नीचे तो क्या है, पानी। ठीक है, नीचे क्या है, पानी। मध्य तो रस संग्रह, और बीच में क्या है, रस, यानी कि जो भी आपकी रस धातु है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से डिजाइन करने वाला, डिजाइन किया हुआ यंत्र कौन सा है, सोम अनल यंत्र, इसलिए नाम दिया गया। नीचे क्या है, सोम, ऊपर क्या है, अनल, और बीच में क्या है, रस धातु। इजी है। फिर वो बोलते हैं जारियेत गगनादिकम, यानी कि इसमें जारण किसका करेंगे, गगनादिकम। गगन मतलब अभ्रक, जितने भी गगन के पर्याय हैं वो सारे अभ्रक के भी हैं, है ना, तो इसलिए अभ्रक जारण के लिए सोमनल यंत्र का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हंस पाक यंत्र। हंस पाक यंत्र, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हंस होता है वो कैसा होता है, एकदम श्वेत वर्ण का होता है, उस पर कोई भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये क्या करता है, विड पाक के लिए यूज होता है। विड मतलब जो भी मल है ना, इम्प्योरिटीज है, उसका पाक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये तो जारण संस्कार में भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो, जिस प्रकार से हंस जो है श्वेत है, ऐसे वो क्या करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी उसको हटा देगा, विड का पाक कर देगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कोष्ठी यंत्र। तो कोष्ठी यंत्र जो है धातु सत्व निपातन अर्थ यूज होता है, धातु सत्व निपातन अर्थ। आगे देखते हैं आकाश पाताल यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, आकाश पाताल यंत्र ये क्या करता है, अर्क निष्कासन अर्थ यूज होता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी फ्लावर का या लीफ का अर्क कैसे निकालते हैं, आपने वो इंस्ट्रूमेंट भी देखा होगा पूरा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आकाश पातन या फिर पाताल यंत्र। ठीक है, अच्छा अर्क से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन याद आया, सबसे पहले अर्क कल्पना का वर्णन किस ऑथर ने किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगर आंसर नहीं पता तो बताना, विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दर्वी का यंत्र। तो दर्वी का यंत्र जो है नागवंग के शोधन के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, और गंधक शोधन के लिए भी यूज होता है। क्या है, दर्विका। ठीक है, ये जो दर्वी है ना, इसका मतलब होता है स्पून शेप्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, इसको हटा दूं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स वल्लभी यंत्र। क्या है वल्लभी, अब वल्लभ तो आपको पता ही है कृष्ण जी के लिए यूज होता है ना, तो इसमें क्या होगा, जो स्वेदित पारद है उसमें षडगुण की प्राप्ति आ जाती है। क्या हो जाता है, षडगुणा, यानी कि 6 गुना जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, और ये क्या करता है, उत्थापन संस्कार हेतु यूज होता है वल्लभी यंत्र। नेक्स्ट गर्भ यंत्र। गर्भ यंत्र जो है सोमनाथी ताम्र भस्म के निर्माण अर्थ के लिए यूज होता है, सोमनाथी ताम्र भस्म। और बताया गया है इसमें जो भस्म कारक, जो टाइम ड्यूरेशन बताई गई है भस्म निर्माण की, वो कितना है बच्चों, 24 आवर्स या 3 दिन। तो ये जो है रफली टाइम पीरियड बताया गया है कि अगर इस विधि से हम यूज करेंगे भस्म निर्माण तो इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, बी रेडी। ठीक है, आगे चलते हैं तुला यंत्र। ये तो सबको पता ही होगा, तुला शेप का ही होता है ना, और ये जो है गंधक के जारण के लिए यूज होता है। अभी आपने बहुत सारे ऐसे यंत्र पढ़े होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि गंधक के जारण के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो उन सबको याद करते चलना, बहुत ही जरूरी है वो। ठीक है, लास्ट में हम एक बार कंक्लूड करेंगे ऑल दो। नेक्स्ट देखते हैं लवण यंत्र। लवण यंत्र जो है कुपिपक्व रसायन के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं पिठर यंत्र।
तो पिठर यंत्र जो है पूती, जो पूती लॉ है हमारा, पूती लॉ क्या है बच्चों, नाग और बंग। तो नाग और बंग के शोधन के लिए यूज होता है हमारा पिठर यंत्र। इससे पहले भी अभी हमने पढ़ा था नाग बंग के लिए कौन सा था, दर्विका, है ना। तो दर्विका और पिठर यंत्र ये दोनों ही जो है पूती लौह के लिए, शोधन के लिए यूज होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे यशद है उसके शोधन के लिए भी पिठर यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये जो नेक्स्ट है बच्चों बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इस पे भी ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। जो हमारा मृदंग यंत्र है वो कृत्रिम हिंगुल निर्माण के लिए यूज होता है, बहुत जरूरी है आज के टाइम के लिए तो, स्पेशली सभी चीज आर्टिफिशियल बना रहे हैं तो हिंगुल क्यों ना बनाए, है ना। तो कृत्रिम हिंगुल के अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मृदंग यंत्र। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नाभि यंत्र। तो नाभि यंत्र जो है बच्चों वो पारद और गंधक इनकी निर्धूम जारण के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये दिया था किसने, नंदी आचार्य ने दिया था नाभि यंत्र। ओके, सो अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूं कौन कौन सा जरूरी है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो स्टार्टिंग के जो है आपको दोला यंत्र, है ना, दोला यंत्र, स्थाली यंत्र, नेक्स्ट बालू का यंत्र, विद्याधर यंत्र, अधः पातन जिसको हम बोलते हैं दीपिका यंत्र, नेक्स्ट पाताल यंत्र। क्वेश्चन क्या आएगा, तेल निष्कासन अर्थ कौन सा यूज होता है, ठीक है, खल्व यंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, कच्छप यंत्र, सोमानल, आकाश पाताल यंत्र, पिठर यंत्र, मृदंग यंत्र, ठीक है। तो ये 8 to 9 मैंने आपको यंत्र बताए हैं आउट ऑफ 27 जो बहुत जरूरी है, ये तो आपको इन एनी सिनेरियो छोड़ने नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रीड सारे करने हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं फॉर कंक्लूजन। तो स्टार्टिंग से आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि गंधक के जारण के लिए बहुत सारे कॉमन यंत्र यूज हो रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से थे वो एक बार देख लेते हैं। पहला था हमारा पाले का यंत्र, नेक्स्ट बालू का यंत्र, नेक्स्ट तुला यंत्र, विद्याधर यंत्र, नेक्स्ट नाभि यंत्र और कच्छप यंत्र, ठीक है। ये तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है, गंधक जारण के लिए कॉमन वाले हो गए। अब अगर हम बात करें हिंगुल से पारद निष्कासन की, है ना, हिंगुल से पारद निष्कासन कौन कौन से यंत्र का आप यूज कर सकते हैं, तो हमने पढ़ा था बच्चों डमरू यंत्र, विद्याधर, पातना यंत्र, है ना, और ऊर्ध्वपातन यंत्र, ठीक है ना। तो ये चार जो है हमारे हिंगुल से पारद निष्कासन यूज होते हैं। सो दीज वर द कंक्लूजन रिमार्क्स। तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। तो इसमें हमने 14 ऑथर्स देखे अलॉन्ग विद यंत्र प्रकरण, हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट किया है। बहुत ही जरूरी वाला ये सेक्शन है, जरूर इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन योर क्वेरीज, आई ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, आई होप सो आप सभी के ड्रीम्स जल्दी से फुलफिल हो। विद दीज बेस्ट विशेज आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन अप्रिशिएट योर पेरेंट्स। गॉड ब्लेस यू।